यहाँ आ रहा है, नेट आ रहा है। हरे कृष्णा। श्री गुरवे श्री गौरचंद्राय सपरिकारी युगल किशोराय च ब्रजधामाय पुरुषोत्तम क्षेत्राय राधावनाय च नमो नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले श्रीमद् रूप पदाम्भोज धूलिं संजन्म जन्मनि। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सब एक साथ, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मैं सबसे पहले अस्मदीय परम आराध्य गुरुपाद पद्म ओम विष्णुपाद परमहंस स्वामी अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद भक्ति वेदांत श्रील वामन गोस्वामी महाराज एवं ओम विष्णुपाद परमहंस स्वामी अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद भक्ति वेदांत श्रील नारायण गोस्वामी महाराज जी के अभय चरण कमलों में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रतिज्ञापन करता हूँ। तदुपरांत आज जिन महाप्रभु के परिकर उनके मनोभीष्ट संस्थापक श्रील रूप गोस्वामी के तिरुभाव तिथि, इस तिरुभाव तिथि उपलक्ष्य में हम सभी लोग गुरुवर्ग के अनुगत्य में रूप गोस्वामी की भजन कुटी एवं समाधि मंदिर के पादोदेश में उपस्थित हैं। श्री चैतन्य महापुरुष स्वयं कृष्ण होकर के भी उनका कुछ आशा ब्रज में पूर्ण नहीं हुआ, किसलिए आए महाप्रभु? प्रेम रस निर्जास करिते आस्वादन, राग मार्ग भक्ति लोके करिते प्रचारण। ये महापुरुष दो काम के लिए आए थे, बहुत से ये दो मेन है। इनमें एक उनका निजी है, एक दूसरे के लिए है। निजी था प्रेम रस निर्जास का साधन जो राधा भाव राधाया प्रणिमा में बताया गया, और राग मार्ग भक्ति प्रचारण में सबसे अधिक योगदान रूप गोस्वामी पाद का। ये प्रेम रस क्या है, प्रेम रस निर्जास क्या, इसका वर्णन उज्जवल नीलमणि में वर्णन किया। कृष्ण कैसे आस्वादन के उसको दिखाया, और राग मार्ग भक्ति कैसे प्रचारण किया, राग मार्ग भक्ति क्या, ये सब भक्ति सिंधु में वर्णन किया। अब हम लोग इस रूप गोस्वामी के शिक्षा चरित्र के बारे में आलोचना करेंगे। मैं सबसे पहले पूज्यपाद तीरथ महाराज से अनुरोध करता हूँ इसके संदर्भ में कुछ पुष्पांजलि प्रदान करें। वक्ता बहुत है, सबसे अनुरोध है समय के ध्यान रखते ही 5 मिनट में समाप्त करेंगे। गुरवे गौरचंद्राय राधिकायै तदालय कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। श्रीचैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति सपदान्तिकम्। सर्वप्रथम अस्मदीय गुरुपाद पद्म में असंख्य कोटि दंडवत प्रणति निवेदन करता हूँ। उपस्थित पूजनीय सन्यासी बिंदु भक्त मंडली मातृबिंदु सभी को मेरा प्रणाम निवेदन है। आज हम लोग यहाँ पर उपस्थित हुए हैं श्री चैतन्य महाप्रभु के अंतरंग पार्षद प्रिय परिकर जो कि उनके मनोभीष्ट प्रदाता इस प्रकार श्रील रूप गोस्वामी जी के चरण कमल में हम लोग समुपस्थित हुए।
आज उनकी समाधि और भजन स्थली जहाँ विराजमान हैं, यहाँ पर हम लोग प्रतिवर्ष आते रहे हैं। आज उनके चरणों में हम लोग पुनः पुनः नमन प्रणाम निवेदन करते हैं, जो कि श्रील रूप गोस्वामी पाद चैतन्य महाप्रभु जी के मनोभीष्ट को पूर्ण करने वाले, जो प्रेम रस निर्जास करिते आस्वादन। प्रेम रस क्या है? उसका निर्जास भक्ति रस को उद्घाटन करने वाले श्रील रूप गोस्वामी पाद, उनको हम लोग ऐसे नहीं जान पाते हैं। गुरु वर्ग के मुखारविंद से जैसे हम लोगों ने सुना और जाना कि वे पहले प्रथम जीवन में जो कि सरकारी कार्य में जो अर्थमंत्री के रूप में बंगाल में रहे, फिर चैतन्य महाप्रभु जी ने उनको कृपा आकर्षण करके खींच लिया, बोले कि जल्दी ही वृंदावन जाना है, अब संसार में नहीं रहना है, घर संसार नहीं करना है। तो चैतन्य महाप्रभु जी का कृपा आदेश, उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया, दे करके वृंदावन की यात्रा की। जब चैतन्य महाप्रभु वृंदावन आए और लौट रहे थे, तो उस समय इलाहाबाद में प्रयाग में वहीं पर श्री रूप गोस्वामी जी आकर के मिले। श्री चैतन्य महाप्रभु जी ने 10 दिन तक उनको भक्ति रस को चखाया, बोले कि मैं भक्ति रस का एक बूंद तुम्हें चखाता हूँ, इसके अनुसार इसको विस्तार करना। जो चैतन्य महाप्रभु जी की कृपा हुई, उसी के अनुसार उन्होंने वृंदावन आया। वृंदावन आकर के यहाँ पर भक्ति रसामृत सिंधु को लिखा, जो भक्ति रस को समुद्र के रूप में विस्तार किया। भक्ति क्या है? जो कि उत्तमा भक्ति से प्रारंभ करके भक्ति के शुरुआत से ही लिया, बोले एक बीज जमीन में गाड़ने पर अंकुर होता है, अंकुर होने पर 2 पत्ते निकलते हैं, फिर 2 पत्ते, फिर से 2 पत्ते, 6 पत्ते निकलने के बाद में एक पौधा का परिचय मिलता है कि ये इस पौधा है। इस प्रकार भक्ति को पाने के लिए पहले गुरु जी से तो भक्ति बीज मिलता है, उस भक्ति बीज को अंकुर करने पर क्लेश अग्नि समस्त प्रकार क्लेश दूर होता है, शुभदा सब प्रकार का शुभ उदय होता है, मोक्ष लघुता कृत मुक्ति भी अत्यंत तुच्छ हो जाता है, और सुदुर्लभ भाव भक्ति जो अत्यंत दुर्लभ है वो भाव भक्ति भक्तों के हृदय में आता है। इस प्रकार जो कि घनीभूत आनंद में अभिभूत हो जाए और कृष्ण को भक्ति इतनी प्रभावशाली जो कृष्ण को आकर्षित कर ले, इस प्रकार भक्ति रसामृत सिंधु को उन्होंने प्रारंभ किया और वहीं से भक्ति के बीज को उगाते हुए वो भक्ति लता कैसे बढ़ेगी, किस रूप में भक्ति रस को प्राप्त होगा, तो ये सब विषय को विवेचन करने वाले श्रील रूप गोस्वामी पाद, जिन्होंने श्री उज्जवल नीलमणि ग्रंथों को लिख करके उज्जवल रस भक्ति रस में जो मधुर रस सर्वश्रेष्ठ उज्जवल रस को विवेचन करके उज्जवल नीलमणि ग्रंथों को लिखा। इस प्रकार वृंदावन में रह करके उन्होंने 16 ग्रंथ लिखा, जिसमें राधा कृष्ण की लीलाओं का वर्णन श्री चैतन्य चरितामृत में कविराज गोस्वामी पाद वर्णन करते हैं। 1,00,000 श्लोके कैल राधा कृष्ण लीला वर्णन, 1,00,000 श्लोक में उन्होंने राधा कृष्ण की लीलाओं का वर्णन किया। इसलिए श्री रूप गोस्वामी पाद जो वृंदावन में आए और महाप्रभु जी की प्रेरणा से उन्होंने श्री गोविंद देव को प्रकट किया, जो विशाल मंदिर के रूप में आज भी विराजमान है, यद्यपि दुष्टों के द्वारा ध्वंस प्राप्त हुआ फिर भी उसका निदर्शन अभी कुछ मिटा ही नहीं। तो इस प्रकार श्रील रूप गोस्वामी पाद ने गोविंद देव की सेवा प्रकाश की और उन्होंने 4 धाम 4 काम किया, जो कि महाप्रभु जी ने कहा वृंदावन में वास करें, गुप्त में लुप्त वृंदावन को पुनरुद्धार करें, ग्रंथों का प्रकाशन करें, भक्ति रस का विस्तार करें,
भजन के आदर्श को प्रकाश करें। इस प्रकार श्रील रूप गोस्वामी पाद यहाँ पर रह करके चैतन्य महाप्रभु जी की कृपा में, जो कि मथुरा से पठाई लद्वी सेनापति, दो सेनापति चैतन्य महाप्रभु के, जो श्री रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी, वे दोनों ब्रज में आए, जो कि कीर्तन में रोज दिन कहा जाता है, जय रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्रीजीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ, ऐछाय गोसाई करी चरण बंदन जा हुईते विघ्ननाश अभीष्ट पुरा, ऐछाय गोसाई जबे ब्रज कैल वास राधा कृष्ण नित्य लीला करीला प्रकाश। तो ब्रजभूमि को जैसे प्रकाश किया, ब्रज के देवता जो राधा गोविंद को उन्होंने प्रकाश किया, उनकी लीला महिमाओं को प्रकाशित किया, इस प्रकार श्रील रूप गोस्वामी पाद ने, जो कि अंत तक देखे जाए जो राधा जी के प्रिय परिकरों में अंतरंग सेविका के रूप में जो श्री रूप गोस्वामी श्री रूप मंजरी हैं, और जिन्होंने अपना आत्म प्रकाश करके इस प्रकार अपने स्वरूप को दिखाया और सेवा महिमा को प्रकाशित किया, जो रूपानुगत ही जीवन का एकमात्र सार है। इसलिए प्रभुपाद जी की भाषा में जो कि उन्होंने यही कहा, श्री रूप गोस्वामी जी के चरण धूलि पाना ही हमारे जीवन का एकमात्र लक्ष्य है। तो इस प्रकार आज हम लोग श्री रूप गोस्वामी जी के चरणों में आए हैं, उनके चरणों में हम पुनः पुनः नमन करते हुए श्रद्धा पुष्पांजलि समर्पण करते हैं, वे हम सब पर अनुग्रह करें। गौर प्रेमानंदे हरे 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 कृष्णा। अब मैं श्री बनमाई से अनुरोध करता हूँ, रूप गोस्वामी के श्री चरण में पुष्पांजलि अर्पण करें। श्री चैतन्य मनोभीष्ट स्थापित येन भूतले स्वयं रूप कदा मज्जं ददाति सपदांतिकम्। सर्वप्रथम मदीय गुरुपाद पद्म नित्य लीला पृष्ठ विष्णुपाद अष्टोत्तर सतिमाद भक्ति वेदांत श्रील वामन गोस्वामी महाराज एवं नित्य लीला पृष्ठ विष्णुपाद अष्टोत्तर सतिमाद भक्ति वेदांत श्रील नारायण गोस्वामी महाराज का भाई चरण कमल में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करता हूँ। तत्पश्चात नित्य लीला पृष्ठ विष्णु अष्टोत्तर सतिमाद भक्ति वेदांत स्वामी महाराज एवं उपस्थित समस्त वैष्णव विष्णु के चरण कमलों में मेरा यथाथ दंडवत प्रणाम स्वीकार हो। आज अधिवस अत्यंत पवित्र दिवस है, जहाँ पर हम लोग गुरु वैष्णव के अनुगत्य में रूप गोस्वामी पाद की समाधि पीठस्थल एवं भजन के सान्निध्य में हम लोग बैठे हुए हैं। अभी भी पूर्वोक्ति वक्ताओं ने बहुत सुंदर रूप में रूप गोस्वामी पाद की अपराजित जीवन चरित और उनकी महिमा की कथा श्रवण कराया। विशेष करके श्री चैतन्य महाप्रभु स्वयं कृष्ण होते हुए पर भी उधना इस कलियुग में राधा भाव अंग कांति लेकर के जिस कार्य लेके आए हैं, जैसे हमारे कृष्णदास कविराज गोस्वामी चार कारणों की भी वर्णन करते हुए भी विशेष दो कारण के ऊपर भी अधिक रूप में दिखाया गया। श्री प्रेम रस निर्जास करित आस्वादन राग मार्गे भक्ति लोक करित प्रचारण रसिक शेखर कृष्ण परम करुण है, यही दुई हेतु लीलार उद्गम। इससे हमारे चैतन्य चैतन्य कृष्णदास कविराज भी वर्णन करते हैं जी, चैतन्य महाप्रभु के आविर्भाव कारण आदि जिसमें हमारे सर्व दामोदर आदि भी सुंदर रूप में वर्णन के श्राद्ध है, प्रणय महिमा श्लोकों के द्वारा भी वर्णन किया गया। विशेष करके हमारे रूप गोस्वामी पाद महाप्रभु के किस प्रकार कृपा पात्र थे उसके बारे में हम कुछ आज संदर्भ प्रकाश करेंगे, जिससे चैतन्य महाप्रभु भी संघ भी अपने मुखारविंद से सर्वनंद राय रमानंद आदि जहाँ पर बड़े बड़े विद्वान लोग विराजमान होते थे, वहीं पर संघ चैतन्य महाप्रभु रूप गोस्वामी पाद की महिमा बखान करते थे। जहाँ पर बल्लभाचार्य आदि ऐसे बड़े बड़े विद्वान भी महाप्रभु की ऐसे कथा सुन करके हंस मध्य क्या बोले बको जथा होकर के भी कैसे भी अपने अपने भाव को भी व्यक्त करते थे। ये चैतन्य महाप्रभु के भाव को कैसे प्रकाश कैसे जान लिया ये भी प्रश्न होता है। संग चैतन्य महाप्रभु सन्नास के उपरांत जगन्नाथपुरी, जगन्नाथपुरी के पश्चात चैतन्य महाप्रभु
वृंदावन दर्शन के लिए पहली बार जब पधारे और राम के लिए गांव से और जब पधारे उस समय रूप सनातन महाप्रभु के साथ पहली बार मिले और उस समय रूप सनातन चैतन्य महाप्रभु के भी प्रणाम मंत्र के द्वारा अपने भावों को भी व्यक्त किया ये नमो महावदन्नाय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरत्ति से नमः। और इस प्रकार दंत तिना निधाय कर दांतों में त्रिन धारण करके किस प्रकार दीनहीन होकर के प्रणाम करने लगे और जिसको देख करके चैतन्य महाप्रभु स्वयं भी कहने लगे तुम लोग हमारे नित्य परिकर हो एवं पुराण भित्त कह करके महाप्रभु ऐसे उठाया और उनके साथ भी वार्तालाप हुई। सनातन गोस्वामी पाद महाप्रभु के बोले प्रभु वृंदावन जय बार यह न है परिपाटी, यह वृंदावन जाने के लिए परिपाटी नहीं है किंतु आपके पीछे हजारों लोग चल रहे हैं यह भाव को व्याघात होगा। इसलिए चैतन्य महाप्रभु वहीं से लौट करके चले गए जगन्नाथपुरी। फिर दूसरी बार चैतन्य महाप्रभु राजपथ छोड़ करके जंगल के और झारखंड के पथ होते हुए चैतन्य महाप्रभु वृंदावन में पधारे और वृंदावन दर्शन करके उपरांत जब प्रयाग में पधारे चैतन्य महाप्रभु उस समय रूप गोस्वामी पाद के साथ मिले और संग चैतन्य महाप्रभु रूप गोस्वामी पाद के जाए ये भक्ति रस की एक बूंद की भी चखाया जिसमें हमारे कृष्णदास कविराज भी बोले तुम्हारे चखाईते कोई एक बिंदु पारावार सुन्न गभीर। ये तो रस शास्त्र है यहाँ पे क्या कौन समझ पाएंगे कहाँ तक है उसके रस समुद्र की एक बूंद तुमको मैं चखाता हूँ और उसके चक्कर के स्वयं रूप गोस्वामी भक्ति रसामृत सिंधु उज्ज्वल इंदमणि आदि ऐसे ऐसे विदग्ध माधव ललित माधव आदि ऐसे सुंदर ग्रंथ भी प्रकट कर दिया जिसमें हमारे वर्णन करते हैं। ये प्रश्न तो यही है ये महाप्रभु की कृपा बिना महाप्रभु के ऐसे सुंदर मनोभीष्ट स्थापित करना संभव नहीं है। ईश्वर कृपा ले साहित्य जहारे ईश्वर तत्व से ही जानी बारे पारे क्योंकि भगवान की कृपा जब तक नहीं हो और उनकी अविष्ट जब तक नहीं हो किसी के साध्य नहीं है ऐसे करें। चैतन्य महाप्रभु जब जगन्नाथ देव की रथ यात्रा के समय जब नित्य आदि करते थे भाव में विभोर होकर के जगन्नाथ जी के दर्शन करके नित्य करते सही तो करते जब विग्रह है कि तुम्हें साक्षात बजेंद्र नंदन ऐसे नित्य करते थे उस समय महाप्रभु के भाव जान करके सर्व दामोदर एक बंगला कीर्तन भी करते थे जे सहित प्राणनाथ पाइन जहाँ लगे मदने दहने झुरी गेनु। इस कथा करके स्वरूप महाप्रभु और भी उद्दंड होकर के नित्य करते थे और उस समय चैतन्य महाप्रभु एक साहित्य दर्पण काव्य प्रकाश की एक प्राकृत नायक नायिका विवाहित पत्नी की भाव को व्यक्त कर रहे थे जब कुमार हर ये श्लोक के व्याख्या कीर्तन कर रहे थे और जिसकी तात्पर्य यही है एक विवाहित पत्नी स्त्री जो है विवाह के पश्चात अपने पतिगृह ससुराल और ससुराल के पश्चात जब अपने पतिगृह में जब एक अपने पितृलाय में जब पधारी तब उसके सारे सहेलियां उनके घेर ली बोले तुम्हारे पति कैसे है सास कैसे है ससुर कैसे है और तुम्हारे कैसे लग रहे हैं। और उस समय वो कहने लगे ये देखो विवाह के पहले मैं इनके साथ जो मेरे संबंध था वो अत्यंत क्या संबंध था मधुर संबंध था भले मधुर क्या है इस संसार में तो हम मधुर नहीं कहते उसके घृण कहा जाता है क्यों अविवाहित होकर के यदि कोई लुप छुप करके एकत्रित होकर के रहे तो उसके समाज कुलुषित होता है समाज निंदा आदि करते हैं तो उस समय हम दोनों छुप करके एक दोनों के साथ मिलते थे रेवात नदी के तट पर हम लोग बैठते थे जैसे सुंदर वो चंद्रमा विशेष करे मधुमास अर्थात बसंत कालीन इतने सुंदर रात्रि जिसमें चंद्रमा की किरण जो है और नदी के तट पर जब बिखरित होते थे ये झिलमिल झिलमिल करता था अत्यंत सुंदर जो है हवा जब बसंत की हवा जब चलती थी हम दोनों वह बेतसी तोरु तले बेतसी कुंज में हम लोग दोनों छिप करके बैठ जाते थे एक दूसरे के आलिंगन करके ना जाने कैसे कैसे सुरत 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 कथा लीला विधौ उस समय हम लोग सुरत कथा जानी काम क्रीड़ा की कथा हम वर्णन करते थे यही जो है और इतने सुंदर सुशोभन रात्रि और उस समय कितने 5 घंटे 6 घंटे तक हम लोग एक दूसरे के साथ बैठ करके वार्तालाप करते थे ऐसे निर्जन प्रदेश है ऐसे लगते था 2 मिनट हो गया 6 घंटा हम लोग बैठते थे लगते था कैसे 6 सेकंड भी नहीं लगता था। और वो संबंध के जो आनंद जो है आज विवाहित होकर के हम दोनों एक साथ में जो मिल रहे हैं समाज हमें कोई उंगली नहीं उठाते हैं किंतु वो जो
मिलन जो है, आज के जो मिलन जो है, अर्थात विवाह के पहली मिलन और विवाह के पश्चात की मिलन की एक सुदूर डिफरेंस दिखाई पड़ रहा है। वो आनंद नहीं है मिलन के, जो आनंद जो प्रकृत भाव जो आनंद आज वो सत्यत्व में आनंद नहीं है, यही भाव की तात्पर्य जो है। इसी कथा को चैतन्य महाप्रभु बार बार उस श्लोक को जो है कीर्तन कर रहे थे, और केवल स्वरूप दामोदर महाप्रभु के भाव को जान करके अत्यंत आनंदित उल्लसित हो रहे थे, और वो बंगला कीर्तन कर रहे, सही तो प्राणनाथ पाइनु जहाँ लगी मदने दहने झुरी गनु। अर्थात सुदीर्घ विप्रलंब के बाद स्वयं राधा जी अपने प्राण तंत्र के साथ जब मिलते हैं, और उस समय जो आनंद की जो हिल्लोल जो है, लहरी जो है, वो कौन वर्णन करते हैं, जिससे हमारे आचार्य पाद ने अपने अपने बंगला कीर्तन में भी वर्णन करके दिखाया, जिसमें इसमें सुंदर समस्त वर्णन है। इसी कथा को जो है महाप्रभु आस्वादन कर रहे थे, और रथ यात्रा समाप्त होने के बाद उस समय रूप गोस्वामी पाद उस साल आए थे, और रूप गोस्वामी पाद महाप्रभु के भाव जान करके उन्होंने एक श्लोक भी रचना की, और उस समय रथ यात्रा समाप्त के बाद सभी लोग चले गए, और रूप गोस्वामी पाद उस समय हरिदास ठाकुर के वहीं पर रहते थे, वो क्या नाम है, सिद्ध बगुल पर रहते थे, और चैतन्य महाप्रभु के नित्य नैमित्तिक जो नियम जो है जगन्नाथ जी के दर्शन के पश्चात और हरिदास ठाकुर के दर्शन देने के लिए आते थे, और महाप्रभु जब आए हरिदास ठाकुर के वो कुटिया में एक सुंदर जो है कागज उसमें लिखा था, जैसे मुक्ता के झाड़ी के भांति, मुक्ता के पाती के भांति, मानो अक्षर जो है झलमल झलमल कर रहा था, बोले रूपे रूप गोस्वामी के हस्तलिखन ऐसे सुंदर था। महाप्रभु उसको ले लिया, और महापुरुष को लेकर के पढ़ने लगे, जिसे रूप गोस्वामी पाद वो श्लोक लिखा था, प्रियो सो अयं सहचरी कुरुक्षेत्र मिलित, इस श्लोक के लिखा हुआ था, और महापुरुष के पढ़ करके महाप्रभु में भाव में गदगद हो गए, और उस समय रूप गोस्वामी पाद समुद्र स्नान के पश्चात महाप्रभु के चरण में जब प्रणाम करने लगे, और महाप्रभु उसके पीठ में थपथपाया, कहने रूप तुमने ये श्लोक लिखा, रूप गोस्वामी तथा दैन विनय करके सिर झुका करके बोले प्रभु हाँ जी। महाप्रभु कहने लगे देखो स्वरूप दामोदर राय रमानंद, काल मैंने जो कीर्तन किया था आज ये भाव को कैसे जान ले। तो उस समय स्वरूप दामोदर कहने लगे प्रभु आपकी कृपा बिना आपके भाव को कौन समझ सकते हैं। तब उस समय चैतन्य महाप्रभु स्वयं अपने मुखारविंद से इसको स्वीकारोक्ति की, चैतन्य महाप्रभु कहने लगे स्वरूप दामोदर वास्तविक सत्य है, रूप यज्ञ पात्र जानी तरह शक्ति संचारिणु, बोले रूप के साथ मैंने जब मैं मिला था प्रयाग में, और उसके यज्ञ पात्र जन करके मैं अपने समस्त शक्ति के जय उनके हृदय में संचार कर दिया। सिद्धस्य शिष्यस्य श्रीमद् भागवत में कहते हैं सिद्ध शिष्य के हृदय में गुरु अपने समस्त हृदय के धन को जो है दे देते हैं। उसी प्रकार रूप गोस्वामी जिस प्रकार चैतन्य महाप्रभु के चरणों में अपने को समर्पित किया, यही संसार में दिखाया जे गुरु और शिष्य के संबंध किस प्रकार होता है, शिष्य किसको कहा जाता है, गुरु के किसको कहा जाता है, गुरु के लक्षण क्या है, उसके साथ ही शिक्षक के लक्षण है। जैसे कहते कहते एड़े तेड़े गुरु के द्वारा तुम्हारे वो भाव प्राप्ति नहीं होगा, और शास्त्र में भी लिखा है एड़े तेड़े शिष्य के द्वारा भी वो भाव तुम्हें प्राप्ति नहीं होगा। शिष्य भी जैसे योग्य गुरु जैसे योग्य होना चाहिए, शिष्य भी उसी प्रकार योग्य हो तब वो भाव प्रदान कर देते हैं, नहीं होता है। इसलिए गुरु के चरण में हम कैसे समर्पित आत्मा करें, इस संदर्भ में दिखाया वो भाव कैसे प्राप्त हो, और विशेष करके चैतन्य महापुरुष संसार में जो प्रेम प्रदान करने के लिए आए हैं, अनर्पित चरिन चिराग करुणा अवतीर्ण कलु समर्पित उन्नत उज्ज्वल संभक्ति श्रीराम हरि सुंदर दीदी कदम संदेहित सदा हृदय कंदरी स्फुरतु भ सचिनंदन। ऐसे सचिनंदन गौर हरि हम लोग के सबके हृदय में विराजमान हो, और जो चैतन्य महाप्रभु अकातर में और सबके जो है यह प्रेम प्रदान कर रहे हैं, जो चिरकाल जो दे नहीं दिया, आज वो चैतन्य महाप्रभु इस अधुना कलिजुग में आकर के सभियों के जो है ब्रह्मांड दुर्लभ प्रेम सभा कार्य जाचे, ब्रह्मा आदि बड़े बड़े देवताओं की जो दुर्लभ वस्तु जो है वो वस्तु चैतन्य महाप्रभु ही दे रहे हैं। इसी के चैतन्य महाप्रभु की उदारता मैग्नेटी की व्याख्यान हमारे आचार्य पाद ने दिखाया। इसलिए हम रूप गोस्वामी पाद के चरण कमल में आए हैं, जो चैतन्य महाप्रभु के समस्त
मनोभीष्ट के स्थापन की, जिन्होंने ऐसे ग्रंथ आदि लिखा लिख करके गए और इतने प्रचार आदि की, वह चैतन्य महाप्रभु के अत्यंत प्रिय पात्र रूप गोस्वामी पाद हम लोग भी थोड़ा बहुत कृपा दृष्टि करे और बुद्ध हमें प्रदान करे, जिससे हम अपने को धन्यति धन्य पंचाग्रपावन भू वैष्णव। हरे कृष्ण। आप लोगों ने श्री बन महाराज से सुना, ये रूप गोस्वामी के बारे में हम लोग को गुरुदेव श्री नारायण गोस्वामी महाराज जाना, और नहीं होते हम लोग कुछ जान नहीं सकते थे। अब श्रीधर माई से अनुरोध करता हूँ, हम लोग कैसे गुरुजी के दृष्टि से रूप गोस्वामी में जाना, इस पर पुष्पांजलि देने के लिए अनुरोध करता हूँ। हरि बोल। हरि ओम ज्ञानतिमिरांधस्य ज्ञानांजनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरवे गौरचंद्राय राधिकायै यस्तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। आददानं स्त्रीणं दन्तै हृदं जाचे पुनः पुनः श्रीमद् रूपपदाम्भोज धूलिश्याम जन्म जन्मनि श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद बोल हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 बोल हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम मेरे गुरुपाद पद्म नितलीला प्रविष्ण विष्णु पाद अष्टोदर सद श्री श्री श्रीमद भक्ति श्री रूप सिद्धांत गोस्वामी महाराज के चरण कमल में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करता हूँ। तत्पश्चात मेरे शिक्षा गुरुपाद पद्म नितलीला प्रविष्ण विष्णु पाद अष्टोदर सत श्री श्री श्रीमद भक्ति वेदांत श्रील नारायण गोस्वामी महाराज के चरण सरोज में श्रद्धा पुष्पांजलि अर्पण करता हूँ। उपस्थित त्रिदंडी पादगण वैष्णव वैष्णवी सभी को मैं यथायोग्य प्रणाम करता हूँ। हरे कृष्ण। हम लोग श्रील गुरु जी के आनुगत्य में श्री रूप गोस्वामी की तिरुभाव महामहोत्सव को हम लोग पालन करने के लिए हम सबके सब यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। ये जो रूप गोस्वामी का जो तिरुभाव है, जितने सारे उत्सव में गुरुदेव का सबसे ये प्रिय तिथि है, क्योंकि गुरुदेव का जो नित्य स्वरूप है वो रमण मंजरी है। इसलिए गुरुदेव ब्रजमंडल परिक्रमा में परिक्रमा का बहुत सारे स्थान है, कहीं किसको बुलाए नहीं बुलाए, लेकिन एक स्थान पर सबको बुला देते। कहाँ पर बताओ तो? टेरे कदम, क्योंकि श्री रूप गोस्वामी का भजन कुटरी है। और किसी में बुलाए नहीं बुलाए, और एक बार बुला देते किसमें? श्री सनातन मठ में। और श्री रूप गोस्वामी की ये तिरुभाव उत्सव में गुरुदेव सबको निमंत्रण देते थे। बोले क्यों? कहते यही हमारे जीवन का लक्ष्य है। इसलिए जिसको श्री नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं, श्री रूप मंजरी पद सही मोर संपद और सही मोर भजन पूजन। हमारा जीवन का जो लक्ष्य है, श्री रूप गोस्वामी की अनुगत्य में सेवा ही हमारे जीवन की लक्ष्य है। इसलिए जितने हमारे गोस्वामी वर्ग हुए हैं, सबके सब जितने सारे प्रार्थना प्रभुपाद उनका 108 उपदेश है, वो 108 उपदेश में तीन तीन बार वो कहते हैं रूप गोस्वामी की चरण की धूल बनना ही हमारे जीवन का एकमात्र आकांक्षा है। श्री भक्तिवनो ठाकुर क्या कहते हैं? बोले सुनी आछी साधो मुखे बोले सर्व जन श्री रूप कृपाए मिले जुगल चरण। इसलिए भक्तिवनो ठाकुर कहते इनकी कृपा से ही जुगल चरण की प्राप्ति होगी। नरोत्तम दास ठाकुर क्या कहते हैं? हैं, वो भी यही प्रार्थना करते हैं, रूप रघुनाथ पदे आई बे आकोते
कवि हम हो जब से जोगला प्रीति। वही कहते हैं कब इनकी चरण कृपा हो तब हम जुगला का प्रीति को हम समझे। कृष्णदास कविराज गोस्वामी वही, अब देखो उनको सारे चैतन्य चरितामृत का लास्ट में जहाँ पर वो समाप्त करते हैं वही कहते हैं रूप रघुनाथ पदे रहु मर आस, और चैतन्य चरितामृत कहे कृष्णदास हर जगह पर। इसलिए जितनी सब गोस्वामी केवल एक चीज को ही जीवन में केवल एक चीज को प्रार्थना किया है, बोले क्यों? कहते इनका नाम क्या है? पहले तो इनका नाम था दबरी खास और साकर मलिक, लेकिन महाप्रभु ने इनका नाम रूप ही नाम रखा। बोले इनका नाम रूप ही क्यों रखा है? बोले रूप का मतलब क्या होता है? बोले रूप का मतलब होता है रूपायति इति ही रूपः, हर चीज को जो रूप प्रदान करे। इसलिए उन्होंने भक्ति का अगर डेफिनेशन देखना, रूप देखना, इनकी देखो इनकी भक्ति रसामृत सिंधु में अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्माद्यनावृतम अनुकूलेन कृष्णानुशीलनम भक्तिरुत्तमा। सारे ग्रंथ का जितने भक्ति की डेफिनेशन थी सारे को क्रोड़ीभूत करते हुए उन्होंने एक श्लोक को द्वारा इतने उसमें गंभीर विचार है। अब लोग मंदिर में सुनोगे कितना या प्रेम की जहाँ विवेचना रूप दिया, प्रेम कहते हैं कि इसको हम तो प्रेम प्रेम हो गया, लेकिन प्रेम का डेफिनेशन क्या है? भाव का क्या डेफिनेशन है? थोड़ी सी किसी ने आंखों से आंसू लगा अरे बड़े भावुक हो गए, नहीं कहते ना लक्षण उनके अंदर में आनी चाहिए। ख्यान तेरी अभ्यर्थ काल तम विरक्ति मान शून्यता आशा बंध समुत्कंठा नाम, और ना लक्षण आनी चाहिए उनके अंदर में, केवल आंखों से आंसू बहाने पर और दो थोड़ा नाच लिया कूद लिया बोले भाव हो गया, इतने आसानी नहीं। साधन का डेफिनेशन किया है, सारे अगर डेफिनेशन अगर देखना तो इनकी ग्रंथों को अवलोकन किए बगैर आप भक्ति को बारे में कुछ बोल ही नहीं सकते हो। जितने बड़े बड़े वृंदावन में बड़े ब्रह्मवादी ज्ञानी कर्मी हैं, जब तक श्री रूप गोस्वामी का कहीं श्लोक का कोटेशन नहीं करते हैं तब तक भक्ति के ऊपर में वो कोई विवेचना नहीं कर सकते हैं। यहाँ पर किसी ने कोई ग्रंथ लिखा उनको उनको नोबेल पुरस्कार मिला, बोले कहाँ किया? उनने चोरी किया रूप गोस्वामी की उज्ज्वल निर्मल ग्रंथ को उन्होंने चोरी किया है, चोरी करके नोबेल पुरस्कार पा गया। क्योंकि जब उन्होंने भाव की डेफिनेशन गोपियों की क्या किया भाव दिग्बद जो उन्माद गोपियों की कितना भेद उन्होंने दिखाया उसको लेकर उनको गोल्ड मेडलिस्ट उनको मिल गया। इसलिए इनका नाम रूप है जो हर चीज को जो रूप प्रदान करे, इसलिए श्री रूप है। इसलिए श्री कवि कर्णपुर तो इनको रूप का उन्होंने झरी लगा दिया, यहाँ पर लिखा हुआ देख लो, बोले प्रिय स्वरूपे दैत स्वरूपे प्रेम स्वरूपे सहजाव रूपे ततान रूपे सोबिलास रूपे, उन्होंने रूप का झरी लगा दी उन्होंने। और उसमें एक विशेष करके ततान रूप, ये ततान मतलब होता है तनु विस्तारे, जो उन्होंने विस्तार किया, बोले किस चीज की विस्तार किया? इसलिए प्रचलित प्रभुपाद गुरुदेव कहते थे बोले तेने ब्रह्म हृदय जो आदि कवे मुझ्यंति जत सुरयो, सर्वप्रथम भगवान ये दिव्य ज्ञान किसको प्रदान किया? बोले ब्रह्मा को। गुरुदेव बोले नहीं, ब्रह्मा मूल कवि नहीं है। बोले मूल कवि कौन है? बोले श्री रूप गोस्वामी है मूल कवि, जिनको अभी महाराज जी बता रहे थे प्रयाग में जहाँ पर श्रीमन चैतन्य महाप्रभु। इसलिए गुरुदेव का बहुत अच्छी बात गुरुदेव कहते थे बोले श्री रूप गोस्वामी हाँ जिसको जिसके लिए कहते हैं श्री चैतन्य मनभिष्टम स्थापितम जैन भूतले स्वयं रूप कदा मध्यम ददाति सो पदांतिकम, जिन्होंने महाप्रभु का मन का अभिष्ट को जिन्होंने स्थापन किया है। बोले उन्होंने कहाँ पर उन्होंने शक्ति संचार की? गुरुदेव कहते थे उन्होंने प्रयाग में, उन्होंने 10 दिन तक उनके हृदय में रस तत्व भक्ति तत्व ज्ञान तत्व जितने सारे तत्व है महाप्रभु उनको हृदय में प्रवेश कराया गुरुदेव। और एक ही बात कहते थे जैसे पिताजी की बहुत बड़ा बिजनेस है करोड़ोंपति का, लेकिन जहाँ पर ट्रेजरी में चाबी रहता रुपया रहता है उनको बहुत सारे बच्चे, लेकिन सब बच्चे को चाबी घाट नहीं दे देंगे, किसको देंगे? जो उपयुक्त तो होगा, जो उसको बिजनेस को चलाएगा। इसलिए गुरुदेव कहते थे महाप्रभु ने इनके हृदय में उन्होंने चाबी काठी बता ना जम कली रूप शरीर न धारत तम ब्रज प्रेम रधि महानिधि कुठरी को कौन उघाड़ तो, अगर रूप गोस्वामी नहीं होते तो उनको जो भक्ति का जो प्रेम की जो कुठरी है उनको भंडारा का गुरुदेव कहते दो विशेष करके दो दरवाजा था उसमें बहुत सारे ग्रंथ है, एक उज्ज्वल निर्मणि और एक भक्ति रसामृत सिंधु। जो भक्ति रसामृत सिंधु है वो सारे भक्ति की हाँ शांत दास सख्य वात्सल्य मधुर सारे रस को विवेचना की, लेकिन जो उज्जवल निर्मणि ग्रंथ है वो एक चक्र केवल श्री गौड़ीय वैष्णव के लिए, केवल जो श्रृंगार रस के उपासक है उन्हीं के लिए ही ये ग्रंथ है, दूसरे के लिए वो ग्रंथ नहीं है। इसलिए
प्रतिज्ञा करते हैं जिनको केवल श्रृंगार रस में अधिकार, वो ग्रंथ केवल वही पढ़े और दूसरे व्यक्ति ग्रंथों को नहीं पढ़े, वो प्रतिज्ञा कर लेते हैं वो ग्रंथ में। इसलिए उन्होंने उनके हृदय में सौर उन्होंने शक्ति को उन्होंने ततान मंत्र होता है विस्तार करना, इनके हृदय में ऐसे उन्होंने दिव्य उन्होंने ज्ञान को प्रदान की आदि कवि रूप में यही है, उन्होंने सारे दुनिया को प्रेम रस भक्ति में उन्होंने डुबो दिया। और प्रश्न है जो सबके सब रूपानुगत तो क्यों चाहते, कारण क्या है, ये रूपानुगत में है क्या चीज, इस चीज में श्री कहते ये चीज में श्री रघुनाथ दास गोस्वामी कहते ये सर्वश्रेष्ठ रूपानुगत है। उन्होंने एक श्लोक बताया है बोले मदि सनाथ तद विपिन्न ब्रजत, वो श्लोक श्री उपदेशामृत में एक श्लोक आया है, नहीं ये मन शिक्षा में दिया है, मन शिक्षा में बिता ये रूपानुगत तो है क्या चीज, किसको ये रूपानुगत तो कहते हैं, ये उसमें विवेचना किया है। कहते अगर किसी व्यक्ति को पूछा जाएगा भैया तुम्हारे कृष्ण के साथ क्या संबंध है, बोले हमारे कृष्ण से कोई मतलब नहीं, कृष्ण हमारे कुछ नहीं लगते हैं, बोले कुछ नहीं लगते, बोले हाँ लगते हैं, चूंकि हमारी जो ईश्वरी है वो श्रीमती राधा रानी है, इसलिए श्री राधा रानी की ये प्रियतम लगते हैं, इसलिए हमारे नजदीक का संबंध इनसे नहीं है, हमारा दूर संबंध है, लेकिन ये हमारी स्वामिनी कौन है, बोले श्री वृषभानंदिनी हमारी स्वामिनी है, उनकी वो प्रियतम लगते हैं इसलिए हमारे साथ में संबंध है, नहीं तो कोई संबंध नहीं। कहते तो भैया ललिता सखी कौन है, भाई ये जो ललिता सखी है राधा रानी के अंतर्थ प्रिय अंतरंग सखी है उनकी सेवा। कहते श्री ये विशाखा सखी क्या लगती है, कहते ये जुगल सेवा में ये अधिकार जुगल सेवा की वो शिक्षा देने वाले ये है। कहते ये राधा कुंड श्याम कुंड और श्री गिरिराज गोवर्धन क्या लगते हैं, बोले ये लगते हैं ये जो जुगल सेवा में जो अधिकार है ये गिरिराज गोवर्धन ही प्रदान करते हैं और श्री राधा कुंड इनकी सेवा के अधिकार प्रदान करते हैं, इसलिए रूपानुगत में ही। इसलिए बहुत एक अच्छा उदाहरण देते थे, अगर कृष्ण को बोलो भैया तुम है कौन, कृष्ण क्या बोलेंगे, हम आत्मराम आप्तकाम है, विश्व ब्रह्मांड का मालिक है, केवल इतना परिचय और कोई परिचय नहीं है इनके पास में। अगर राधा रानी को पूछो तुम कौन है, बोले श्री श्याम सुंदर के चरण को दर्शन करते हुए, बोले श्याम सुंदर के हम श्री सेविका है। कहते ललिता विशाखा को पूछो वो कौन है, बोले राधा कृष्ण प्राण मोर जुगल किशोर है, जुगल किशोर है। लेकिन ये जो धीरे धीरे पूछो रूपमंजरी की पूछो तुम कौन हो, वो बोलेंगे ये जितने सारे ललिता विशाखा प्रिया प्रियतम ये हमारी सेव्या है। अगर श्री लवन श्री रति मंजरी को पूछो वो बोलेंगे सारे सारे परिचय। कैसे नयनमणि मंजरी के पूछो भैया तुम है कौन, हाँ प्रभुपाद को, वो बोलेंगे ये जितने जुगल सरकार श्री ललिता विशाखा रूप मंजरी की हम इनकी दासी है। अगर उनको पीछे श्री हमारे विनोद मंजरी को पूछो क्या बोले, बोले इनके सब दासी है। रमण मंजरी को गुरुदेव को पूछो क्या बोलेंगे, बोले सबका दासी। अगर तीर्थ महाराज को पूछो तो माधव महाराज को और वन महाराज को पूछो तो ये क्या बोलेंगे, ये बोलेंगे हम सबके 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 सब हम दासी के दासी के दासी। लेकिन इसी जगत में जो दासी पद है दासत्व तो वो घृणित है, लेकिन वहां पर नहीं। क्यों कलयुग में स्वयं कृष्ण राधा जी की भाव अंगकांति लेकर क्यों आए, कृष्ण सोच रहे हैं मैं स्वयं पूर्ण ब्रह्म सनातन मैं हूं, विश्व ब्रह्मांड मेरा नाम रूप से मुग्ध हो जाते हैं, लेकिन जब मैं राधा रानी का दर्शन करती हूँ राधा रानी का प्रेम मेरे से करोड़ों गुना ज्यादा राधा रानी का प्रेम के आस्वादन होता है, उसको नीचे जितने आती है ना वो रस सब बढ़ते 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 सबसे नीचे जो है वो सारे रस उनको प्राप्त होता है। इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु ये मंजरी भाव से जब उन्होंने जगन्नाथपुरी में छलांग लगाई, जब उनको उठाया गया बोले भैया हम तो राधा कुंड में मंजरी रस के आस्वादन कर रहा था जुगल सेवा की। इसलिए हमारे जितने गोस्वामी वर्ग केवल श्री रूपानुगत में ही, क्योंकि इनकी कृपा से ही वो सेवा प्राप्त हो सकता है। सत्य त्रेता द्वापर यहाँ तक देवता लोग भी कलयुग में ये इंसान रूप में महाप्रभु की परिकरत्व को प्राप्त करना चाहते, बोले क्यों, वो दुर्लभ प्रेम केवल महाप्रभु की धारा में प्राप्त होगा और कहीं नहीं प्राप्त होगा। और विशेष करके हम सबके सब ऋणी हैं हमारे श्री गुरुपाद पद्म में, जितना रूप में रूप गोस्वामी का तिथि को हमारे भक्त प्रदाशील नारायण गोस्वामी पालन तीन दिन तक एक टपिक ऊपर में क्या दिव्य विवेचना है यहाँ पर और किसी कहीं कहीं नहीं है। इसलिए हम सबके सब जो ऋणी हैं, थोड़ी बहुत जो सुनने की मिल रहा है वस्तु तो बहुत दुर्लभ है, लेकिन गुरु जी कहते थे पहले लक्ष्य को स्थिर करो, लेकिन इस लक्ष्य हमारे स्थिर किया तो किसने किया है, श्रील भक्ति वेदांत श्रील नारायण गोस्वामी महाराज ने किए हैं। इसलिए हम सबके सब इनकी चरण में हम ऋणी हैं। वंशा कल्पतरु वस्व कृपा हरे कृष्ण
हरे कृष्ण। अब मैं श्री नरसिंह से अनुरोध करता हूँ रूप से चरण में पुष्पांजलि प्रदान करें। ओम ज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सबसे पहले मैं मध्य दीक्षा गुरु एवं शिक्षा गुरुदेव नित्यला प्रश्न विष्णुपाद अष्टोत्तर शिष्यमद भक्ति वेदांत बामन गोस्वामी महाराज नित्यला प्रश्न विष्णुपाद अष्टोत्तर शिष्यमद भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी के चरण कमलों में अनंत कोटि श्रद्धा पुष्पांजलि अर्पण करता हूँ। तत्पश्चात पूजनीय सन्यासी वृंद सभी वैष्णव वैष्णवी सभी के चरणों में अथाग्य प्रणाम। हम लोग का सौभाग्य है प्रतिवर्ष की भांति गुरु वैष्णव के अनुगत्य में हम लोग रूप गोस्वामी की तिरुभाव तिथि मनाने के लिए यहाँ रूप गोस्वामी के समाधि और उनकी भजन कुटी में एकत्रित होते हैं और उनकी महिमा का गुणगान करते हैं। चैतन्य महाप्रभु के प्रिय परिकर चैतन्य महाप्रभु के मनोभीष्ट संस्थापक एवं गोविंद देव के प्रतिष्ठाता श्री रूप गोस्वामी सबसे पहली बार रूप गोस्वामी के साथ में महाप्रभु का मिलन जिस समय राम के लिए ग्राम में गौड़ बादशाह के यहाँ रूप और सनातन अपने महाप्रभु मिलने से पहले जहाँ पर गौड़ाध्यक्ष की सेवा में थे उस समय चैतन्य महाप्रभु वृंदावन में आना था उनको। वृंदावन में न जाकर के उल्टे दिशा में जब बांग्लादेश की बॉर्डर मालदा कहते हैं राम के लिए ग्राम वहाँ पर है वहाँ उनकी राजधानी से गौड़ के बादशाह की तो उस राजधानी में राजा के सेवा में थे तो महाप्रभु मिलने के लिए उनको वहाँ से गए। बोले मेरा दूसरा क्या काम है मैं तो तुम्हारे लिए मैं यहाँ पर आया। और जैसे ही पता चला कि चैतन्य महाप्रभु लाखों लाखों लोगों के साथ में कीर्तन करते हुए जा रहे हैं उस समय तो मुसलमान बादशाह हैं उसने अपने एक मंत्री को पूछा कि भाई ये कौन है। बोला मैं तनख्वाह देकर के मेरे नौकरों को संभाल नहीं पाता हूँ बिना तनख्वाह के इसके पीछे लाखों लाखों लोग कौन है। तो उसने तो टाल दिया बोले नहीं नहीं वो तो भिखारी है सन्यासी उसको कौन पूछता है। उसने टाल दिया तो वो चला गया तो उसने महाप्रभु को आदेश भेजा बोले यहाँ से चले जाओ क्योंकि ये मुसलमान बादशाह हैं पता नहीं क्या करेगा इसका कोई भरोसा नहीं है। तो उसने रूप गोस्वामी को पूछा रूप गोस्वामी उस समय साथ दबीर खास नाम था उनका तो उनको पूछा दबीर बोला ये कौन है सन्यासी। तो रूप गोस्वामी क्या बोलते हैं बोले अरे जिसने तुमको राजा बनाया जिस तुम्हारे भाग्य से इस राज्य में यहाँ पर तुम्हारा उदय हुआ तुम्हारे भाग्य से तुम्हारे यहाँ राज्य में तो उनका जन्म हुआ माने भगवान स्वयं अवतरित हुए चैतन्य महाप्रभु और तुम तो राजा हैं तुम तो जानते हैं कि तुम देवताओं का अंश है तुम्हारा मन क्या कहता है। तो राजा कह रहे हैं कि मुझे तो लगता है तो बड़ा गोस्वामी माने ये कोई भगवान है स्वयं। हाँ बोला ठीक आपकी बात तो ठीक है। तो तब वहाँ से जब राजा को राजा ने पूछ लिया राजा तो अपने काम के लिए चला गया। रूप और सनातन उनका पहला नाम साकर मल्लिक और दबीर खास और साकर मल्लिक रूप गोस्वामी का नाम दबीर खास था सनातन गोस्वामी का साकर मल्लिक। दोनों भाई रात में उठ के चैतन्य महाप्रभु मिलने के लिए राम के लिए ग्रामीण जहाँ पर महाप्रभु बाहर रुके थे वहाँ पहुँच गए। पहुँचे तो वहाँ सबसे पहले नित्यानपुर हरदास ठाकुर थे उनको मिले उन्होंने कहा महाप्रभु को बताया कि आपके रूप और साकर मल्लिक आए हैं। बोले अच्छा महाप्रभु को देख करके उन्हें दंडोत प्रणाम उन्हें दैन्य ऐसे देख करके महाप्रभु को अरे इतना महाप्रभु उनको गले लगाया बोले इतना दैन्य मत कीजिए मेरा हृदय फट जाता है तुम्हारा मैं अंतर हृदय जान लिया कि तुम मेरे लिए कितने और तुम तो मेरे कौन है। बोले तुम तो मेरे पुरातन दास महाप्रभु के मुख्य वाणी और तुम मेरे जन्म जन्मांतर के किंकर हो तुम मेरे पुरातन दास हो आज से तुम्हारा नाम रूप सनातन। पहली भेंट रूप गोस्वामी के साथ महाप्रभु की। दूसरी भेंट महाप्रभु जब और कहा कि महा ठीक है आप चले जाइए क्योंकि महाप्रभु तो
बोले ठीक, अब सनातन गोस्वामी कहा कि इतने आप लाखों लाखों लोग लेके वृंदावन में जा रहे हैं, वृंदावन जाने की परिपाटी नहीं है। तो रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी को हाँ कि आप बाद में धीरे धीरे आपको आना है, आप तो मेरे जन्म जन्मांतर के किंकर हैं, जन्म जन्मांतर के किंकर हैं, मैं तुम्हारे लिए यहाँ पर आए हूँ और किसी के लिए नहीं। यहाँ मुझे आने का क्या कारण था, मैं वृंदावन जा रहा था, वृंदावन में जाकर के मैं यहाँ पर राम के लिए ग्राम में आया। तो दूसरी भेंट वहाँ से जैसे वैसे गए, बोले कैसे भजन करना है तुम मेरे प्रति कितने, मैं तुम्हारी अंतर की बात समझ सकता हूँ, उनको बार बार पत्र के द्वारा पत्र लिख करके वो महाप्रभु को बता दे कि हमको आपको मिलना है, मिलना है। महाप्रभु कहते नहीं नहीं, ऐसा तो मैं घर में रह के भजन को अभी तुमका समय नहीं है, समय आएगा तो कृष्ण तुमको इस विषय रूप से निकाल करके मुझको मिला देंगे, कृष्ण बड़े दयालु हैं। तो वहाँ पर से निकल करके जब महाप्रभु वापिस आ गए तो रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी भी रूप गोस्वामी के भेंट प्रयाग में महाप्रभु के साथ भेंट। तो वहां कहते हैं कि पारावार शून्य भक्ति रस सिंधु तहार चाखाई आमी तुम्हारे एक बिंदु। ये भक्ति रस समुद्र जो है ये अथाह समुद्र है जिसका था आर पार नहीं है, तो उसका मैं तुमको एक बिंदु चखा रहा हूँ। और रूप गोस्वामी ने इसी स्थान पर बैठ के भक्ति रसरम रसामृत सिंधु ग्रंथ इसी स्थान पर लिखा, यही स्थान है ये, यहाँ पर उनकी भजन कुटी और यहाँ पर समाधि मंदिर। इस स्थान में जिस समय में ये समाधि है वो भजन कुटी है, तो इसी स्थान में रूप गोस्वामी ने वो ग्रंथ लिखा। महाप्रभु कहते हैं जिस समय में उनको प्रयाग में मिले तो सब महाप्रभु के बड़े बड़े भक्त थे, बोले इसकी इनको कृपा करो, रूप को कृपा करो, सब लोग भक्त लोग कृपा करो, कृष्ण तत्व भक्ति तत्व रस तत्व प्रांत सब सिखाए लो प्रभु भागवत सिद्धांत। जितने भक्ति रस और जितने तत्व है भागवत के सिद्धांत है, रूप गोस्वामी के जिस प्रकार ब्रह्मा के ऊपर कृपा करके उनको कृपा की थी, ऐसे महापुरुष ने उस समय राम के लिए ग्राम में मिले, दोनों अपने हाथ उनके सिर पर रख दिए, रूप सनातन को अपने दोनों हाथ रख दिए और उन्होंने महापुरुष को दंडवत प्रणाम करते हुए महापुरुष के दोनों चरण अपने सिर में ले लिए। महापुरुष को उनको खूब आशीर्वाद दिया, बोले उनके अंदर शक्ति संचार किया, शक्ति संचार योग्य पात्र देख के शक्ति संचार होता है, वो योग्य पात्र है। महापुरुष जितने बड़े बड़े भक्त महापुरुष जितने बड़े बड़े भक्त हैं उनमें कहते हैं ये श्रद्धा और गौरव के सबसे बड़े रूप सनातन सबसे गौरव और श्रद्धा के पात्र हैं, बड़े बड़े उनको रसाचार्य बना दिया महापुरुष, उनके अंदर ऐसी शक्ति संचालित कर दी कि उन्होंने यहाँ बैठे बैठे भक्ति सामर सिंधु उज्ज्वल नीलमणि और विदग्ध माधव ललित माधव राधा कृष्ण गणोद्वेश दीपिका, आप लोगों ने नहीं पढ़ा तो जरूर पढ़िए, राधा कृष्ण के जो कौन परिकर है, राधा कृष्ण के ललिता विशाखा जितने भी आए उनके सबके आए, माता पिता के जितने भी नाम हैं, राधा कृष्ण के जितने परिकर उनके नाम भागवत में नहीं आपको इधर उधर ग्रंथों में नहीं मिलेंगे, राधा कृष्ण गणोद्वेश दीपिका में आप जरूर पढ़िए। जैसे गौर गणोद्वेश दीपिका है महाप्रभु के परिकर है, वो राधा कृष्ण लीला में कौन कौन है वो कवि कर्णपुर ने गौर गणोद्वेश दीपिका में वर्णन किया, ऐसे ही रूप गोस्वामी ने राधा कृष्ण गणोद्वेश दीपिका में कृष्ण के परिकरों के सब नाम दिए, आपको कहीं एकत्रित नहीं मिलेंगे ऐसे। तो रूप गोस्वामी ने जो हमारे संप्रदाय की जो जो देन है वो न भक्तो न भविष्य, इसलिए चैतन्य मनोभीष्टम स्थापितम ये न भूतले स्वयं रूप कदा मयम ददाति सुपदा पदांतिकम। चैतन्य महाप्रभु के जो मनोभीष्ट था राग मार्ग भक्ति लोके करिते प्रचार, वो क्या है? तो अभी सिद्धार्थ महाराज जी बता रहे थे कि भक्ति रसराम सिंधु में तो पांचों रसों का वर्णन आया किंतु उज्ज्वल नीलमणि में एकमात्र श्रृंगार रसों का, इसीलिए हम लोग को अभिमान है, हमारे जितने गुरुवर्य हमारे गुरुवर्ग हैं वो अपने को रूपानुगाचार्य वर्य कहते हैं। रूप गोस्वामी महाप्रभु की लीला में तो रूप गोस्वामी है और कृष्ण लीला में वही रूपमंजरी है, तो रूपानुग हम लोग अपने आप को रूपानुग गौड़ी आचार्य वैष्णव आचार्य आप लोग कहते हैं, उनके अनुगत में हम लोग को रूपानुग, हमारे जितने गुरुवर्ग है वो सब रूपानुग है, रूपानुग एकमात्र अधिकार श्रृंगार रस में है, उसके नीचे नहीं बिल्कुल। इसके लिए अपने आप को रूपानुग कहना, रूप मंजर के अनुगत्य में रूप गोस्वामी के अनुगत्य में हम लोग रूपानुग हैं, ये हम लोग का सौभाग्य है। हम लोग सरस्वती केशव धारा में विनोद मंजरी राग मंजरी रमन मंजरी की धारा में हम लोग आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है, हमारे कोटि कोटि जन्मों के पुण्य का फल उदित होकर के हम इस हृदय वृंदावन के मध्य स्थल और रूप गोस्वामी के भजन स्थली हमारे गुरुदेव के भजन स्थली इसी में रूप सनातन गौड़ी मठ और ये सब स्थानों में हम लोग का पूर्व पूर्व जन्मों का बिना सौभाग्य से ऐसा सौभाग्य नहीं प्राप्त होता, इसलिए हम उन गुरुवर्गों के रूप गोस्वामी के जिन्होंने हमको उनके जाना हम लोग क्या जानते, हम लोग प्रतिवर्ष आके जब से हम आए हैं
देखता हूँ महाराज हमारे पूज्यपाद भक्तिवेदांत नारायण गोस्वामी महाराज रूप सनातन में ये रूप गोस्वामी का महोत्सव मना के या प्रतिवर्ष आके रूप गोस्वामी के स्थान में ये सब कथा सुना सुना के हमको रूप गोस्वामी को जनाए ना, तो हम नहीं जानते रूप गोस्वामी। तो उन सब के चरणों में, उनके परिकरों के चरणों में मेरा दंडवत प्रणाम है। वो हमें कभी ना कभी इस रूप गोस्वामी के लाइन में, जिनको हमें इस सबसे सर्वोच्च जो कोई स्थान हो सकता है, सर्वोच्च जो हमको प्राप्त करने का है, वही रूप गोस्वामी का ही स्थान है। रूप गोस्वामी के जो विचार हैं, उनके जो ग्रंथ में चैतन्य महाप्रभु के जो विचार हैं, वही रूप गोस्वामी ने दिखाए। वो सबके चरणों में मेरा दंडवत प्रणाम। वंशा कल्पतरुभ्यः कृपा सिन्धुभ्यः वच कवितानां पाणिनिभ्यो वैष्णवभ्यो नमः। हरे कृष्ण। अब मैं श्री रामचंद्र प्रभु से अनुरोध करता हूँ रूप गोस्वामी के श्री चरणों में पुष्पांजलि प्रदान करें। अज्ञान तिमिरंधस्य ज्ञानंजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। नमो विष्णुपदाय राधिकाय प्रियात्मने श्रीमद् भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी इति नामने श्री कृष्ण लीला कथने सुदक्षम उदारे माधुरे गुणेश्च युक्तम वरम वरेण्यम पुरुषम महांतम नारायणम तमाम शिरसा नमामि। श्री चैतन्य मनो अभीष्टम स्थापितम येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। सन 2010 से पहले मैं कभी कल्पना नहीं कर सकता था कि मुझको यहाँ पे खड़ा करके माइक पकड़ा दिया जाएगा। हम लोग अपने अपने घरों से, कोई दिल्ली में हो, कोई उड़ीसा में हो, कोई हरियाणा में हो, आज की तारीख में दौड़ते भागते उड़ते पढ़ते पछाड़ खाते हुए यहाँ आके स्थिर होते थे। गुरुदेव के मुख से एक दो वाणी भी हमारे कान के अंदर घुस जाए, बस उनके साथ छाया की तरह चिपक चिपक के हम चलने की कोशिश किया करते थे। क्या बोला गुरुदेव ने, यहाँ क्या बोला, वहां क्या बोला। श्री गुरुदेव, हम उनके बारे में सोचते हैं, उनका अवदान क्या है, उन्होंने हमें क्या गिफ्ट दिया। तो श्री गुरुदेव का जो सबसे बड़ा अवदान है, जो उन्होंने हमको दिया, वो है श्री रूप गोस्वामी पाद उनके चरणांतिकम। बोलते हैं श्री चैतन्य मनो अभीष्टम, जिन्होंने चैतन्य महाप्रभु के मन की अभीष्ट को पूरा किया, स्वयं रूप कदा मह्यम ददाति स्वपदांतिकम, उनके चरणों को, उनके चरणों की ग्लो को, उनके चरणों की शरण हमें प्रदान करी हमारे गुरु महाराज जी ने। ये गुरु महाराज जी का सबसे बड़ा अवदान था। गुरु महाराज जी खुद रूप सनातन, उन्होंने मठ बनाया वृंदावन में, उसका नाम रख दिया रूप सनातन गौड़िया मठ। और उसी रूप सनातन गौड़िया मठ में सनातन गोस्वामी जी के तिरोभाव पर तीन तीन दिन की विद्वत सभा, और कोई ऐसा नहीं विद्वान था जो छूट जाता था। रूप गोस्वामी जी के तिरुभाव तिथि पे तीन तीन दिन विद्वत सभा हुआ करती थी। ये झलकाता है कि हमारे गुरुदेव किस तरह से नजदीक थे, किस तरह से उनके ईष्ट से श्री रूप गोस्वामी जी। तो हम गौड़िया भक्त रूपानुगा कहलाते हैं रूप के अनुगत में, तो श्री गुरुदेव रूपानुगाचार्य थे, वो सर्वश्रेष्ठ आचार्य थे रूप गोस्वामी के अनुगत में, और उन्होंने अपने शिष्य को खुले आम वो रूपानुगत्व प्रदान किया, वो भाव प्रदान किया हमको कि हम भी उसी लाइन में चलें। मैं ये ध्यान कि बड़े सुंदर ढंग से कहाँ से शुरू करते थे गुरुदेव और कहाँ तक हमको पहुँचा देते थे। श्री रूप गोस्वामी जी
अच्छा कौन है इनके पिताजी, कहाँ इन्होंने जन्म लिया? तो गुरुदेव बताते हैं, कर्नाटक के ब्राह्मण, भारद्वाज वंशीय ब्राह्मण, वो लोग कर्नाटक से शिफ्ट होकर बंगाल में आ गए। पद्मनाभ करके थे वो ग्रैंड ग्रेट ग्रैंड फादर श्रीला रूप गोस्वामी जी के, गंगा जी के किनारे नई हाटी करके एक स्थान पर आ गए और वहीं पे कुमार देव के यहाँ ये तीन पुत्र पैदा हुए, अमर, संतोष और बल्लभ। यही अमर और संतोष रूप और सनातन बने और बल्लभ जो थे वो अनुपम, उनका रूप उनका नाम हुआ। और ये मुसलमान के राजा के यहाँ काम किए क्योंकि बड़े विद्वान थे। फिर गुरु महाराज जी बोलते हैं, कभी आचार्यों के पिता भी होते हैं, वो तो नित्य मुक्त हैं, भगवान के धाम से आते हैं, उनके कौन से पिता होंगे? अर्जुन खूब रो रहे हैं, मेरा बेटा मारा गया जब अभिमन्यु मर गया, तो कृष्ण उनको चंद्रलोक में ले गए, यहाँ अभिमन्यु थे हैं, चंद्रलोक में ले गए, यहाँ अभिमन्यु थे। और अर्जुन ने अभिमन्यु को देखकर गले लगाने को कहा, मैं तेरा पिता? बोलता हॉल्ट, कौन से पिता, कई बार तो मैं तुम्हारा पिता बन चुका हूं। जब ये बात सुनी अर्जुन ने अपने ही बेटे के मुख से, तो उनको होश आया कि कौन किसका पिता, कौन किसका बेटा। तो गुरु महाराज जी बोलते हैं, सुनो, बड़े प्यार से बोलते हैं, आप उठा के देख लो किसी भी आचार्य को। संसार का आदमी जब कोई अपने बारे में लिखता है, परिचय देता है, तो अपने अपने स्थान का देता है, अपने पिता का देता है, अपने खानदान का देता है, अपने वंश का देता है। लेकिन हमारे आचार्य जितने भी हैं, वेद व्यास जी ने नहीं लिखा कि उनके पिताजी कौन थे, सुखदेव गोस्वामी जी ने यह भी नहीं लिखा कि उनके पिताजी कौन थे, और जितने भी आचार्य हुए उन्होंने अपने वंश, अपने गुरु के बारे में जरूर लिखा है, गुरु वंश के बारे, गुरु परंपरा के बारे में लिखा है, माता पिता के बारे में नहीं लिखा। ये नित्य मुक्त, इनके माता पिता क्या है, ये तो निमित्त बनाकर कहीं से आ गए, और आए किस काम के लिए। तो वहीं अपने अपने गुरुदेव का उदाहरण देते हैं, बोलते हैं श्रील प्रभुपाद के लिए कई लोग उन पर बहुत ज्यादा उपाधियां लगाते थे, अष्टोत्तर शत त्रिदंडी स्वामी और प्रातः स्मरणीय शिल भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद जगत गुरु शिल प्रभुपाद, तो परम गुरुदेव परमहंस परिवर्चिकाचार्य अष्टोत्तर शत। और परम गुरुदेव कहते थे अगर उनका एकमात्र ये परिचय दे दिया जाए कि राधा रानी की नयन मणि मंजरी, वो उसके आगे ये सारे के सारी जितनी भी उपाधियां हैं वो ध्वस्त हो जाती हैं, सारी उपाधियां ध्वस्त हो जाती हैं। ये कौन है? ये राधा रानी की रूप मंजरी हैं, रूप गोस्वामी जी राधा रानी की रूप मंजरी हैं, और हमारे क्या कहते हैं गुरुदेव वो राधा रानी के रमण मंजरी हैं। ये अगर हम दो परिचय ले लेते हैं तो अष्टोत्तर शत परमहंस परिवर्जकाचार्य ये सारे के सारे ध्वस्त हो जाते हैं। फिर वो जो रूप मंजरी हैं वही रूप गोस्वामी बनकर आए, तो किया क्या उन्होंने जिससे हम रूपानुगा बन गए? वो क्या चीज थी जिससे रूपानुगा हम बन गए? तो रूप गोस्वामी जी ने हमको भजन की पद्धति दी, द मेथड हाउ टू डू भजन। श्रद्धा से उठेंगे, गुरु करेंगे, भजन क्रिया होगी, भजन क्रिया से हमारे अनर्थ ध्वस्त होंगे, और अनर्थ ध्वस्त होंगे फिर हम निष्ठा पर पहुंचेंगे, फिर और अनर्थ जाएंगे तो रुचि आएगी, फिर आसक्ति आएगी, और फिर सब साधन से ऊपर उठ के हम भाव पर पहुंचेंगे। ये उन्होंने सीढ़ी दिखाई, सीढ़ी हाउ टू क्लाइंब, और एक एक की परिभाषा भी दी। ये किसने दी? ये रूप गोस्वामी जी ने दी भजन पद्धति, और रूप मंजरी के रूप में उन्हीं रूप गोस्वामी जी ने भाव दिया कि हमें किस भाव से करनी है भक्ति।
राधा जी की पाल्यदासी वाला भाव अपनाना है और रूप मंजरी वाला भाव, क्योंकि वो भी मंजरी है राधा जी की पाल्यदासी, और रूप गोस्वामी वाली भजन पद्धति अपनानी है। रूप गोस्वामी जी की भजन पद्धति, रूप मंजरी का भाव, दोनों को संग लेके अगर हम चलते हैं तो हम बन जाते हैं रूपानुगत। इसी रूपानुगत्व को हमारे को गुरुदेव ने प्रदान किया और वही लेने के लिए हम यहाँ रूप गोस्वामी जी के चरणों में आए हैं। हमको वो रूप अनुगत्व प्रदान करें। हमारे पास इतनी योग्यता नहीं है, खासकर मैं तो साफ कह सकता हूँ कि जितनी ऊंची बातें हम यहाँ कर रहे हैं, ये ओंठों का चलाना है, जीभ का हिलाना है, हृदय वहीं का वहीं जड़ बैठा हुआ है, हमारे मेरे में तनिक ताकत नहीं है उस चीज को ग्रहण किया जा सके। अगर मेरी प्रार्थना मेरा प्रयास है तो आपकी कृपा जो है वही उसी की आस है। गौर प्रेमानंदे हरि हरि हरे कृष्ण। अब मैं धीर कृष्ण प्रभु से अनुरोध करता हूँ रूप से चरण में पुष्पांजलि प्रदान करे। धीर कृष्ण प्रभु ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमस्ते गुरुदेवाय, श्रीरूपाय, प्रियात्मने श्री श्रीमद्भक्तिवेदान्त नारायणेति नामिने श्रीकृष्णलीलानुकथने सुदक्षम् औदार्यमाधुर्यगुणैश्च युक्तं वरं वरेण्यं पुरुषं महान्तं नारायण त्वां शिरसा नमामि। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदमह्यं ददाति सा पदंतिका। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधाकांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुत देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। बोलो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बोलो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री गुरु वैष्णव के अनुगत में अपने करोड़ों अरबों पूर्वों जन्मों की सुकृति को पूंजीभूत करते हुए हम लोग इस धाम वृंदावन धाम में उपस्थित हुए हैं। श्री रूप गोस्वामी पाद की समाधि स्थली और भजन कुटी के समक्ष पूर्वक्ताओं ने बड़ा ही सजीव विवेचन किया कि रूप गोस्वामी का अनुगत हमारे लिए क्यों अनिवार्य है। चैतन्य महाप्रभु किस लिए आए? क्या जगत को हरिनाम संकीर्तन का आचार और प्रचार करने के लिए आए? ये कारण था, किंतु ये कहा जाता है कि बाह्य कारण है, सेकेंडरी रीजन है। तो फिर चैतन्य महाप्रभु का मनोभीष्ट क्या है जिसको रूप गोस्वामी पाद ने स्थापित किया? कहते हैं ना, श्री चैतन्य मनोभीष्टम स्थापितम येन भूतले। चैतन्य महाप्रभु का मनोभीष्ट अनर्पितम चरम चिरात करुणाय अवतीर्ण कलौ है, लेकिन इससे पहले उनका एक और भी मनोभीष्ट है जो कि पूछ बाद बन महाराज जी ने बताया कि रूप गोस्वामी पाद चैतन्य महाप्रभु के अंतरंग जो भाव थे उनको समझ गए और ये जान गए कि चैतन्य महाप्रभु राधाय प्रणय महिमा कीदृशोवान एव हैं, राधा भाव का आस्वादन करने के लिए आए हैं। राधा भाव का आस्वादन करने के लिए आए हैं, इसलिए चैतन्य महाप्रभु ने जब वृंदावन के लिए प्रस्थान किया पुरी से तो पीछे मुड़ के भी नहीं देखा। उनके परिकर सार्वभौम भट्टाचार्य अन्य अन्य लोग उनको उनकी दृष्टि के लिए तरस रहे हैं और वो महाप्रभु को जाते देख करके पछाड़ का के बेहोश होके गिर जाते हैं, किंतु महाप्रभु उनको पीछे मुड़ के भी नहीं देखते और कहाँ की ओर धावित होते हैं, जैसे गंगा समुद्र की ओर जा रही है ऐसे महाप्रभु
वृंदावन की ओर प्रस्थान करते हैं और कृष्ण केशव कृष्ण केशव कृष्ण केशव रक्ष माम राम राघव राम राघव राम राघव पाहि माम। कृष्ण केशव रक्ष माम राम राघव पाहि माम। महाप्रभु किस भाव में है कि हे कृष्ण अब और विरह नहीं सहा जाता, राधा जी के भाव हैं, हाँ? अब मेरे रक्षा करो, अब आपने ही तो मेरे उस निवृत्त निकुंज में केशों को संवारा था, हे केशव आप तुरंत आओ और मेरे को संतुष्ट करो। ये महाप्रभु के अंतरंग भाव हैं और महाप्रभु जंगल वनों से होते हुए पशु पक्षियों को भी ये भाव हरि नाम आदि प्रदान करते हुए और कहां आ पहुंचते हैं, वृंदावन में आ पहुंचते हैं, किंतु यहां मात्र 2 महीने रहते हैं। क्या कारण कि आए हैं राधा भाव आस्वादन करने के लिए और वृंदावन में जगह जगह कृष्ण स्थलियां देख करके और कई बार कृष्ण भाव में आ जाते हैं। ये एक छोटा सा विघ्न है। हमारे गुरुजी तो बताते थे, अन्य गौड़ीय मठों के वैष्णव कई बार इस बात से सहमत नहीं भी होते, वो बोलते हैं नहीं नहीं 2 महीने सिर्फ इसीलिए रहे कि वृंदावन ब्रजमंडल बहुत छोटा स्थान है और दक्षिण भारत बहुत बड़ा है, जहां से उन्होंने प्रारंभ किया दक्षिण पूर्व पूरी से पूरा घूमते हुए पंडरपुर होते हुए महाराष्ट्र होते हुए पूरे दक्षिण भारत के 5 राज्य कर्नाटक तमिलनाडु केरला और आंध्रा होते हुए फिर महाप्रभु महाराष्ट्र में आए और फिर पुरी में आए, इसलिए 6 साल गमनागमन कहा गया। किंतु गुरुदेव कहते थे नहीं, यहाँ पर यह भाव बार बार प्रबल हो जाता था कृष्ण भाव, इसलिए महाप्रभु तुरंत कहाँ लौट चले, महाप्रभु वापस पुरी लौट चले। अब महाप्रभु जब प्रयाग में पहुंचे तो इधर रूप गोस्वामी पाद जो उनसे मिलने के लिए जिनके प्राण अटके हुए हैं 2 पुरस्चरण कर चुके हैं कि किस प्रकार मैं महाप्रभु से मिलूं और बिल्कुल दीनहीन हो करके मिलूं, मेरा कोई अभिमान अहंकार ना रहे, अपना सारा धन सारी पदवी सब कुछ आदि त्याग करके। और वो कहाँ आ रहे हैं, वो वृंदावन आ रहे हैं कि महाप्रभु वृंदावन में होंगे, अभी तो वहां बहुत समय रहेंगे, इसलिए महाप्रभु से मैं वृंदावन में ही उनके चरण कमलों की प्राप्ति करूंगा। लेकिन रूप गोस्वामी पाद जब प्रयाग में पहुंचते हैं तो देखते हैं लाखों लाखों लोग जा रहे हैं और आगे एक सन्यासी जवान नाचता हुआ जा रहा है। बड़े देख के गदगद हो गए कि इन्हीं के चरणों की प्राप्ति के लिए तो मैं चला था। और उन्होंने महाप्रभु को वहां पर डिस्टर्ब ना करके और किनारे पे हो गए दोनों भाई रूप गोस्वामी पाद और बल्लभ, जिनको बाद में महाप्रभु ने अनुपम नाम दिया। और फिर बाद में जब महाप्रभु बिंदु माधव का दर्शन करके जब महाप्रभु का आवेश तिरोहित हुआ और महाप्रभु एक दक्षिणत्य ब्राह्मण के घर में आकर रुके, तब चैतन्य महाप्रभु को की सभा में ये उपस्थित हुए रूप और अनुपम दांतों में तृण लेकर के, और उन्होंने महाप्रभु की कृपा याचना की और महाप्रभु ने जो उपदेश जो शिक्षा रूप गोस्वामी पाद को दी प्रयाग में उसी के ही अंश को हम लोग यहाँ पर श्रवण कर रहे हैं। क्योंकि महाप्रभु ने स्वयं कहा है पारावार शून्य गभीर भक्ति रस सिंधु, के गोलोक में तो भक्ति रस के समुद्र बहता है तो पारावार शून्य है, किंतु इस धरा धाम में आते आते ये दुर्लभ हो जाता है, इसको हम जीव धारण नहीं कर सकते, इसलिए मैं तुम्हें मात्र 1 बिंदु चखाऊंगा क्योंकि तुम्हारे में वो बिंदु चखने की योग्यता है। और उस रस को प्राप्त करके रूप गोस्वामी पाद उस बिंदु को प्राप्त करके रूप गोस्वामी पाद वृंदावन में आए और यहाँ पर आ करके इस राधा दामोदर मंदिर में जो कि जीव गोस्वामी का बहुत बड़ा ग्रंथागार होता था, हमारा रूप गोस्वामी मठ रूप सनातन गौड़ीय मठ सेवा कुंज आदि जितना भी ये क्षेत्र है ये सब इस मंदिर के अंतर्गत था और ग्रंथागार वहां तक था जहाँ पर हमारा रूप सनातन गौड़ीय मठ है। यहाँ पर रह करके उन्होंने बहुत से ग्रंथों का प्रणयन किया और फिर यहाँ से उन्होंने पुनः महाप्रभु के दर्शन के लिए पुरी के लिए गमन किया। मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा कि महाप्रभु का जो मनोभीष्ट है वो
राधा भाव आस्वादन है, लेकिन रूप गोस्वामी का अनुगत्य हमारे लिए इसलिए भी अनिवार्य है कि उन्होंने जिन भावों का आस्वादन किया मंजरी भाव का, वो हमारा मनोभीष्ट है। वो क्या है? गोपी भाव में नायिकत्व है, किंतु मंजरी भाव में नायिकत्व नहीं है, पाल्यदासी भाव है। हम लोग कृष्ण के साथ संग नहीं चाहते, किंतु हम उस राधा का आश्रय ग्रहण करना चाहते हैं जिनके लिए कृष्ण भी उत्कंठित रहते हैं। ये हमारा मनोभीष्ट ना हो करके हमारा मनोभीष्ट है मंजरी भाव, जो कि पाल्यदासी भाव है, जिसके लिए हम रूप गोस्वामी पाद के अनुगत्य के लिए यहाँ पर उपस्थित हैं। किंतु यह तभी संभव होगा जब हम लोग दीनहीन निष्कपट होकर के वैष्णवों की शरण लेंगे, जो इस भाव को हमें प्रदान करेंगे। समय बहुत संक्षिप्त है, इसलिए विस्तार में हम लोग रूप सनातन गौड़ीय मठ में सभा में इन तत्वों के बारे में सुनेंगे कि किस प्रकार भक्ति तत्व और रस तत्व आदि का विवेचन रूप गोस्वामी पाद ने अपने ग्रंथों में किया। गौर प्रेमानंदे हरि हरि। हरे कृष्ण। मैं रोहिणीनंदनपुर से अनुरोध करता हूँ, सामने आए। आफ्टर रोहिणीनंदनपुर विष्णु देवत महाराज स्पीक इन इंग्लिश, प्लीज कम फॉरवर्ड। 5-5 मिनट। सबसे पहले मैं अपने गुरुदेव नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत परिव्राजिकाचार्य श्री श्रीमद भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी के चरणों में प्रणाम करता हूँ। नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत परिव्राजिकाचार्य श्री श्रीमद भक्ति वेदांत स्वामी शिला प्रभुपाद के चरणों में प्रणाम करता हूँ। अपने परम गुरुदेव नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत परिव्राजिकाचार्य श्री श्रीमद भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज जी के चरणों में प्रणाम करता हूँ। हमारे साथ हमारे पूजनीय त्रिडंडी पादवृंद, सन्यासी वृंद, वैष्णव वृंद, वैष्णवी सबके चरणों में मेरा यथा योग्य दंडवत प्रणाम। मैं बैठे हुए सुन रहा था, अब शायद ही कोई मेरे लिए कोई वस्तु बची है कि मैं कुछ बोल पाऊँ। उस रूप गोस्वामी की उस महिमा को गाते हुए हम कहाँ कहाँ पे गए। चैतन्य महाप्रभु के समय संक्षिप्त है तो मैं जल्दी से, चैतन्य महाप्रभु का जब उन्होंने रूप गोस्वामी से मिले हैं जगन्नाथपुरी में, तो उन्होंने रूप गोस्वामी को पूछा, हालांकि रूप गोस्वामी अभी नए नए आए हैं, उनके साथ उनके परिकर चैतन्य महाप्रभु के साथ राय रामानंद स्वरूप दामोदर और सर्वभौम भट्टाचार्य ये सब वहाँ पे थे। तो चैतन्य महाप्रभु ने रूप गोस्वामी को पूछा, उन्होंने कहा कि रूप ये बताओ कृष्ण नाम की महिमा क्या है। रूप गोस्वामी कृष्ण नाम की महिमा बोल रहे हैं चैतन्य महाप्रभु को, शक्ति संचरित करी है चैतन्य महाप्रभु ने। तो उन्होंने कहा तुंडे तांडवली रतिम बितानुते तंडावलई लाभदये करण करोड़ा कदम्बनी करण अर्बुद्धे भयास्पुरम चेता प्रांगना विजेता सर्विंद्र भ्या कृतिम न जाने जनिता क्या कृष्णे ते वर्ण द्वाई। ये कृष्ण और ना इसमें क्या है, जो जब उन्होंने इसकी व्याख्या शुरू करी कहते हैं कि जब ये मुख में मेरे आता है, तुंडे मतलब मेरे मुख में जब ये आता है और नाचता है, तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरे पास हजारों हजार जीभ चाहिए मुझे इसका आस्वादन करने के लिए, और जब ये कूद के मेरे कान में चले जाता है तो मुझे लगता है कि ओह ये दो कान नहीं चाहिए मुझे, हजारों हजारों कान इसके लिए चाहिए इसका माधुर्य धारण करने के लिए, और जब मेरे ये चित्त में आ जाता है तो मेरी सारी इंद्रियां शिथिल हो जाती हैं और मैं कुछ नहीं कर पाता और मैं उस रस में ऐसा हो जाता हूं जैसे बेहोश हो जाती मेरी इंद्रियां। चैतन्य महाप्रभु ने जब इस दो वर्ण जब उनके मुख में जा रहे हैं इतना उनका स्वाद सुना, तो महाप्रभु ने राय रामानंद जी और स्वरूप दामोदर की तरफ देख के बोला कि कितना सुंदर व्याख्या करी है इसने। तो राय रामानंद जी और स्वरूप दामोदर इन्होंने कहा, कहते महाप्रभु जिसकी कृपा आपके आपके होगी, जिसके ऊपर आपकी कृपा होगी, वो ही ऐसी व्याख्या कर सकता है।
तो इसका पुष्टि कौन कर रहे हैं? राय रामानंद जी, जो कौन है? विशाखा जी। स्वरूप दामोदर, वो कौन है? वो ललिता जी। इन दोनों ने पुष्टि करी कि जो कृपा रूप गोस्वामी को चैतन्य महाप्रभु ने अभी दी है, ऐसा सुंदर जो रस का आस्वादन नाम का दिया था, आज मुझे वही लग रहा है। हमारे कितने हजारों हजारों भक्त अब रूप गोस्वामी की बात बोलने के लिए तैयार हैं, उनकी जीभा लपलपा रही है। मैं सोचता हूँ अभी और भी आते रहेंगे, किस लिए? सिर्फ रूप गोस्वामी के लिए। तो मैं सोचता हूँ तुंडे तांडवली, ये जो रू और प का जो शब्द है, जब ये इकट्ठा होता है तो पूरे संसार को ये डबो सकता है, इसमें इतनी शक्ति है। क्योंकि वही व्याख्या चैतन्य महाप्रभु ने जब कृष्ण नाम के लिए सुनी, हमारे लिए रू और प की जो व्याख्या, रूप गोस्वामी की जो व्याख्या है, अगर हम इसमें थोड़ा सा भी डूब जाएंगे तो हमें ये संसार फिर नजर भी नहीं आता है। समय संक्षिप्त, जल्दी से मैं आगे बढ़ रहा हूं। इसमें एक जो विशेषता है रूप गोस्वामी की, उसको मैं बोलना चाहता हूं, जो हमने कहीं नहीं सुनी और हम कहीं नहीं सुनेंगे, वो क्या है? कृष्ण अन्यो लघु भागवतामृतम, कृष्ण अन्यो यदु संभुतो। वो किसी और के कृष्ण होंगे, वो हमारे कृष्ण नहीं है, अन्यो वो दूसरों के कृष्ण है। यदु संभुतो, जो यादवों में पैदा हुए, अर्थात वो वसुदेव और देवकी के जो कृष्ण है, वो हमारे नहीं है। ये रूप गोस्वामी इस बात का वर्णन कर रहे हैं, ये जो कृष्ण है वो दूसरे के हैं, हमने ऐसा नहीं सुना था। गुरुदेव के मुख से जब सुना, ये लघु भागवतामृतम में रूप गोस्वामी ने पहली बार किया और कहा कृष्ण अन्यो यदु संभुतो, ये पूर्ण अस्तियता परा, जो पूर्ण कृष्ण है वो दूसरे हैं, वो ब्रज के कृष्ण हैं, ये कौन कर सकता है? आज उस ब्रज प्रेम की बात उन्होंने करी और इसको कहां तक ले गए? हरि पूर्णतम पूर्णतर पूर्ण, ये भक्ति रसामृत सिंधु में किया। कृष्ण पूर्णतम है ब्रज में, पूर्णतर है मथुरा में और पूर्ण है द्वारका में। इस रस का आस्वादन इन रूपानुगा वर्ग के आचार्यों ने हमें दिया, ये क्या आस्वादन है! इसकी महिमा को हम समझेंगे कि ये कौन से प्रेम की बात कर रहे थे रूप गोस्वामी। सबसे ज्यादा कमियां अगर कृष्ण रूप में निकाल सकती हैं तो कौन है कमी? उस ब्रिजेंद्र नंदन कृष्ण, उसके अंदर सबसे ज्यादा कमियां निकाल सकती हैं तो वो गोपियां हैं। उन्होंने क्या दिया कृष्ण के, क्या कमियां निकाली कृष्ण में, कहती हैं, यही रूप गोस्वामी किसमें कह रहे हैं? ये रूप गोस्वामी ने कहा, सखी मुरली विशाल छिद्र जले न पूर्णा, लघुता अति कठिना त्वम ग्रंथीला निरससी, तद भजसी शाश्वत चुंबानंद सांद्रम, हरि करेना परिरंभेना केना पुण्य उदयना। रूप गोस्वामी कह रहे हैं क्या? एक सखी दूसरी सखी को कह रही है, ये रूप गोस्वामी कह रहे हैं, कहते हैं, ए सखी, इस मुरली में क्या है? इस मुरली में क्या है? ऊपर से भी छेद हुए पड़े हैं और इसके पूरा छेद की छेद बनी हुई है, ये तो एक समय का दूध उबालने के काम नहीं आ सकती, फिर भी इसने ऐसे क्या कर्म करे कि ये कृष्ण के होठों का रस पिए जा रही है, पिए जा रही है। ये कौन कर रहे हैं? ये उस प्रेम की बात कर रहे हैं जहां पे वो प्रेम इतनी ऊंचाइयां छू लेता है कि कृष्ण की बंसरी में इतनी कमियां नजर आती हैं, कहती हैं कि ये पिए जा रही है उसका रस। ये कौन सा रस था? ये मंजरी भाव का, जो हमारे भक्तों ने अभी इसका वर्णन किया, ये मंजरी भाव का थोड़ा सा मैं इस बात में बोलूंगा, जो कि उत्कल्लिका वल्लरी में आज से 2 साल पहले मैंने इस बात के जिक्र किया था। जब मैंने इस श्लोक में ज्यादा प्रवेश करने की सोचा तो मेरे को समझ आई कि कहते हैं स्यूतस्ते धनुष्चा उत्कल्लिका वल्लरी, स्यूतस्ते धनुष्चा वंशवरयो। ये एक गोपी दूसरी गोपी को कहती है, क्या देखो, हम ये मानती हैं कि धनुष लकड़ी से आया और वो बड़ी ऊंची, उसके वंशज बड़े ऊंचे हैं। भाई धनुष कहां से आया? धनुष आया लकड़ी से, और वो किसके वंशज? पेड़ों से आया। पेड़ कितने महान होते हैं देखो, अगर वो कट जाते हैं तो भी वो लकड़ी दे देते हैं, जब तक वो रहते हैं पेड़ फल देता है और जब तक कोई आता है उसको उसको वहां पे छाया भी देते हैं, कभी कुछ मांगते नहीं है, इतने ऊंचे वंश से आया। हालांकि जो धनुष है वो बड़ा क्रूर है, क्यों? क्योंकि जब इसमें से तीर निकलते हैं तो क्या होता है, आदमी को बिद कर देता है, मार देता है और आदमी वहीं पे मर जाता है। लेकिन ये बंसरी भी वहीं से ही आई है, ये बंसरी भी लकड़ी से बनी है, इसके वंशज कितने ऊंचे हैं, हम फिर भी ऊंचा स्थान उस धनुष को देते हैं। कम से कम वो एक बार तीर चला के मार तो देता है, लेकिन ये जो बंसरी है कृष्ण की, जब इसमें से तीर निकलते हैं ना ये घर का छोड़ती है और ना ये बाहर का छोड़ती है, कहीं का नहीं छोड़ती, इसीलिए है बहुत ही क्रूर है, धनुष से भी ज्यादा क्रूर ये बंसरी है। इन भावों को किसने किया?
ये श्री रूप गोस्वामी ने हमें उन भावों तक पहुंचाया है कि कृष्ण के अंदर कितनी कमियां दिखाई हैं ये गोपियों के भाव हैं। अब मैं समय कम होने की वजह से मैं यही चाहूंगा कि इन वैष्णवों की मेरे पे कृपा पड़े कि मैं कभी इस रस की थोड़ा सा भी आस्वादन कर पाऊं। मैं इनके चरणों में प्रणाम करता हूँ। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यः एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवभ्यो नमो नमः। गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालय कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। सर्वप्रथम अस्मदे गुरुपाद पद्म नित्यला प्रविष्ट जगत गुरु शिष्यमद भक्तिवेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी के अभय चरणारविंदों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम अर्पण करता हूँ। देन ऑफर ओबेसेंसेस टू ऑल द त्रिली सन्यासीज हेड बाय पूज्यपाद भक्तिदांत माधव महाराज, भक्तिदांत तीर्थ महाराज, भक्तिदांत श्रीधर महाराज, भक्तिदांत बन महाराज एंड ऑल द असेंबल वैष्णवज एंड वैष्णवीज प्लीज एक्सेप्ट माई हम्बल ओबेसेंसेस। So today is the most auspicious day, the disappearance day of Srila Rupa Goswami Pad. There is no difference between the appearance and the disappearance of the great personalities because they are not the mortal beings. Their bodies are completely transcendental, so they have no birth and death. Just like the sun rises on the eastern horizon and sets on the western horizon, so similarly they appear in this world to educate others the process of bhakti and they disappear from this world also after they receive the order from Srimati Radharani. So Rupa Goswami has given us the most excellent moods, especially his highest book is Ujjwal Neelamani, and I really appreciate that Srila Gurudev has published this book in the Hindi language, which is the national language of India. And what I read in this book really very much impressed me. There are certain verses which attract my heart. One of the verse I saw this was panchattam tanuret bhutaneva swanshe vishanta sputam dhataram pranipatya hanta shirasa tatrapyachivaram tadvapishu payastadiya mukure jyotistadiyangane vyomni vyoma tadiya vartmani dhara tattal vrinte nila. The Radharani one time, in separation of Krishna, she told to her sakhis that if I am unable to obtain the association of Krishna, then at least there are five elements in my body, earth, water, fire, air and ether. These five elements should be able to serve Krishna even posthumously, even after my death. The water in my body should merge in all the lakes like Pavan Sarovar where Krishna takes bath. The air in my body should be able to touch the body of Sri Krishna and receive the transcendental fragrance from his body. So let me become like the air by which he is fanned. Let me become the sky over Nandagaon so that I can give him the shade. And also let me become the fire element in his mirror so that he can, when he is going to view his beauty, I will also be able to receive some glimpse of his transcendental beauty. So she is desiring to serve Krishna even after death. So this is a monumental work. Also there are certain verses that Lord Shiva, one time Parvati asked Lord Shiva that what are the glories of Radharani's love? What happiness she receives in separation, what happiness she receives in meeting Krishna, what unhappiness she experiences in separation of Krishna. Then Lord Shiva replied to Parvati, his dear wife, that loka titam ajanta koting api traikalikam yas sukham dukham cheti prutagyari pute tad gachata kutatam naiva bhasa tulam shive tadapitat kutat dvayam radhika premo dasuk dukh sindh bhavayar vindeta bindorapi. That all the happiness which are present, if you summarize, if you sum up, if you add up all the happiness in all the material universes and also in the spiritual universes, that happiness is not even equal to one drop of happiness which Radharani receives in meeting Krishna.
And if you add up all the unhappiness in all the universes and all the unhappiness experienced by the residents of Vaikuntha, when Krishna goes to Mathura for momentarily as an avatar, that unhappiness is combined, that is not even equal to one drop of unhappiness which Radharani receives in separation of Krishna. So shows that Radharani, she is the, her ecstasy, Radharani's ecstasy and her unhappiness, both are of great intensity. Also it is told, one time Radharani herself told in her own words, Krishna has gone to Mathura, and when Krishna went to Mathura, Radharani expressed her sentiment to Lalita and Vishakha that she told, Aurvas Tomat Katrupe Katharam Durbalenar Sami Tapa Praudo Hari Veraja Sayate Tanna Jane Nishkranta Chet Bhavati Rudhyadasya Dhumat Chhatapi Brahman Danam Sakikulamapi Jwalaya Jajvaliti. That in separation of Krishna, the fire of separation in my heart that is burning is far more intense than the submarine fire. There is one particular fire that is called Aurva fire. And my heart, that intense fire is burning. Even if a little flame will escape from my nostril, then it may not be released, because Yoga Maya doesn't allow that to happen. But in case, Radharani says, if even one little flame will escape from my nostril, then it will burn down all the Brahmandas to ashes in a moment. So much fire of separation is burning in my heart. So therefore, I express deep gratitude to Srila Gurudev who revealed this transcendental treasure. I thank all Pujabhad Bhaktidanta Madhava Maharaj to give me a chance to speak here. I appreciate all your patience. Pancha Kalpataru Vishya, Kripasin Vachapatyana Vaishnav Dhinamani. Hare Krishna. आप लोगों ने विभिन्न वक्ता महोदय से सुना, बैठिए बैठिए, दो मिनट बैठिए। सो श्री गुरुदेव कहते थे, हम लोग का लक्ष्य क्या है? राधा पल्लदासी भाव को प्राप्त करना, या मंजरी भाव या भावल्ला श्रुति को प्राप्त करना। इसको पाने के लिए क्या करना पड़ेगा? रूप गोस्वामी के अनुगत में चलना पड़ेगा। इस भाव को प्राप्त करने के लिए रूप गोस्वामी पाद दिखाया, क्या दिखाया हम लोगों को? उनको तीन प्रार्थना, एक तीन प्रकार है। एक है संग प्रार्थनात्मिका, दैनबधिका, लालसामयी। संग प्रार्थनात्मिका, जैसे दिखाया श्री गुरुदेव कहते थे, तद विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानं गरिन तत्त्वदर्शिन। तद विद्धि अर्थात भगवत तत्व को जानने के लिए। और इधर रूप गोस्वामी पाद दिखा रहे हैं राधा जी के महिमा, क्यों? ये देर इज नो डिफरेंस पोटेंट एंड पोटेंसी। राधा जी शक्ति है, कृष्ण शक्तिमान। इधर तत्का अर्थ दोनों को समझना पड़ेगा। इसको जानने कैसे करना पड़ेगा? संग प्रार्थनात्मिका। मत तुल्लो नास्ति पापात्मान अपराधी च कश्चन परिहारे पिमे लज्जा किं ब्रुवे पुरुषोत्तम। अहो मत तुल्लो नास्ति पापात्मा, मेरे समान कोई पापी नहीं है। ऐसे जो कितना कितना पाप हम किया, हम जो स्मृतिचारण करें मुझे खुद घृणा आएगी, ऐसे रूप में दिखा रहे हैं। उनके लिए तो नित्य परिकर, हम लोगों के लिए कार्य से प्रार्थना करना पड़ेगा। उसके बाद क्या है? दैनबधिक, ये दैनबधिक का संग प्रार्थनात्मिका। युवती नांग जथा जूनऊ जूनिंच युवत जथा मनोभिरमत तद्वत मनोभिरमतांग तई। जैसे एक युवक एक युवती को आसानी से आकर्षण कर लेता है, एक युवती एक युवक को आसानी से आकर्षण कर लेता है, वही युवक एक डोगरी को आकर्षण नहीं कर सकती, और यही एक युवती एक डोगरा का आकर्षण नहीं कर सकते। क्या जादू है आंखों में? ये गुरु जी कहते, इसमें परक की अभाव छिपी हुई है। राधा कृष्ण विवाहित पति पत्नी नहीं है, ये परक की अभाव है। उसके बाद क्या बता रहे हैं? कदाहन यमुना तिरे नामानी तब कीर्तन उद्वास्प पुंडरी तांडवम। ऐसे दिन कब होगा कि ये मुझे बुलाकर सेवा में लगाएंगे? तब गुरुदेव का स्कर रूप गोस्वामी पाद की इस भाव को कौन और क्लियर कर दिया? रघुनाथ दास गोस्वामी। श्री रूपा मंजरी करार चित पाद पद्म गोष्ठंदन भुजा तमस्तिकाया
हा मदत कनक गौरी पदा रविंद संग बहाने सनकई तब किं करिष्ये। रूप गोस्वामी पद क्या है, रूप मंजरी के रूप में सेवा कर रही है। राधा जी थक चुकी थी, कृष्ण एक गोदी में सिर रख करके लेटी हुई है और रूप गोस्वामी अर्थात रूप मंजरी धीरे धीरे उनको चरण सम्मान कर रही है। ये देख करके दास गोस्वामी भजन करते करते समाधिस्थ हो गए, रोति मंजरी रूप में उधर पहुंच गए, ललचाए दृष्टि से देख रही है। रूप मंजरी समझ गई, उनको इशारा से बुला करके उनको सेवा में लगा दिया। ये तीन प्रकार स्वामी भाव को, रूप गोस्वामी जो भाव को देने के आए थे, जो राधा पल्लवदासी भाव या मंजरी भाव और भावोल्लास को प्राप्त कर सकते हैं। तो ये तो हमारे बहुत दूर हैं, हम सब मठ में आलोचना करेंगे, लोग जा भी रहे दर्शन के लिए आ रहे हैं। मैं एक कह करके ये वक्त समाप्त कर रहा हूँ कि ये सब कह रहे हैं, श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं जन भूतले स्वयं रूप कदाम ददाति स पदांतिकम। मैं लोक इससे अधिक परिचित नहीं है, मैं इतना कह के समाप्त कर रहा हूँ। श्री रूपा मंजर श्री मंजरी मनो श्री रूप गोस्वामी मनोभीष्टं स्थापितं जन भूतले स्वयं नारायण कदामह्यम ददाति स पदांतिकम। हरे कृष्ण वंशाकल्पतरु वस्त कृपा सिंधु भये वच।